अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलने की सोच रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपकी मनोदशा क्या होगी। आपके दिमाग में कई सारे ख्याल होंगे जो लगातार चल रहे होंगे, कई सारे सवाल होंगे जो लगातार सामने आ रहे होंगे। कुछ सोच रहे होंगे कि कितना पैसा लगेगा मेडिकल स्टोर खोलने में, कुछ सोच रहे होंगे कि भैया ड्रग लाइसेंस कैसे बने, कुछ सोच रहे होंगे कि ये लोकेशन यार कहाँ से कहाँ पर मैं खोलूं, कुछ सोच रहे होंगे क्या मैं इसको कर पाऊंगा, कुछ सोच रहे होंगे कि मेडिकल स्टोर खोलना है हमको तो जाके कहीं मेडिकल स्टोर पे बैठ के सीख लें क्या। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी के बारे में आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो आपको किसी और मेडिकल स्टोर पर बैठ कर सीखना चाहिए या फिर नहीं चाहिए, इसके क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल कम से कम 6 महीने तक किसी मेडिकल स्टोर पर जा करके अपना समय देना चाहिए। कम से कम 3 घंटे तो आपको दिन भर में देने ही चाहिए 6 महीने तक के लिए, अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो। इसके पीछे का रीजन क्या है मैं आपको समझाने चाहता हूं। देखिए, अगर आप किसी मेडिकल स्टोर पर अपना मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो आप किसी और मेडिकल स्टोर जाएंगे तो आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलेगा। ये कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है कि आपको पढ़ाया जाएगा। जब आप वहां पर जाएंगे तो आप रियल टाइम जो कस्टमर होते हैं, जो असली कस्टमर होते हैं, आप उनसे रूबरू होंगे, आप देखेंगे, आप समझेंगे कि एक कस्टमर से किस तरीके से बात किया जाता है, एक कस्टमर को किस तरीके से हैंडल किया जाता है। इसके अलावा कौन कौन सी दवाइयां मंगाई जाती हैं, दवाइयों का डोज क्या होता है, दवाइयों को काट करके कैसे दिया जाता है, पैकिंग कैसे की जाती है, कस्टमर को कैसे उसको जो है काट करके दिया जाता है, समझाया जाता है, कौन कौन सी दवाइयां रखी हैं, किस दवा को किस जगह रखा था, कौन सी दवा फ्रिज में रखी जाती है, कौन सी दवा ऊपर रखी जाती है, कौन सी दवा नीचे रखी जाती है, ये सारी चीजें, दुकान की रख रखाई कैसी होती है, साफ सफाई कैसे की जाती है, ये सारी चीजें आपको रियल एक्सपीरियंस होगा। जिससे क्या होगा कि जब आप अपना मेडिकल स्टोर आगे खोलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सारी चीजें आपके माइंड में पहले से रहेंगी। आपके पास कस्टमर आएगा तो आपके पास पर्चा पढ़ने का अनुभव रहेगा, आपको पता रहेगा कि ये दवा क्या लिखी हुई है, पर्चा पढ़ने का अनुभव हो जाएगा, दवा कौन सी मंगानी है ये जान जाएंगे, आप दवाओं के नाम को जान जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारी चीजों का आपको एक रियल अनुभव हो जाएगा। रियल अनुभव जो कि जब आप अपनी फार्मेसी खोलेंगे तो ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो मेरा अगर आप राय माने तो मेरे ख्याल से अगर आप एक फार्मेसी खोलने जा रहे हैं तो जरूर आपको कम से कम 6 महीने के लिए पर डे 3-3 घंटे के लिए एक मेडिकल शॉप पर जा करके समझना चाहिए, सीखना चाहिए। और वो जानना समझना पैसे के लिए नहीं बल्कि अपने नॉलेज के लिए होना चाहिए। आपको कोई रुपया ना दे, कोई पैसा ना दे, कोई दिक्कत नहीं, आप जाकर वहां बैठिए और उनकी बकायदा हेल्प कीजिए, नहीं कि आके सेठ जी बन के बैठ गए ऐसे करके, नहीं नहीं नहीं, आप जाइए वहां पर, आप उनसे बोलिए भैया आप बैठिए, मैं दवा दे रहा हूँ, आप नहीं कैसे देनी दवा, मैं उठा करके दे रहा हूँ, कहाँ तो कौन सी दवा रखिए, मैं ला कर दे रहा हूँ, मैं काट दूंगा, मैं पेशेंट को पन्नी में करके दूंगा, ये सारी चीजें आप जब खुद इन्वॉल्व होंगे उसमें, जब आप खुद अपने आप को उसमें झोंकेंगे डालेंगे तो आपके लिए चीजें और आसान होती जाएंगी। तो आशा करता हूं कि जो मैं आपको समझाना चाहता था वो मैंने आपको बता दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिए, ऐसी वीडियो और चाहते हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।